हे गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। तो फिर से मेरे पास आ चुकी है एक न्यू बेबलेट कमाल जो कि है गाइस गैलेक्सी पेगासस सिल्वर कलर। या गाइस अगर अच्छी तरह से नोटिस करोगे तो देख सकते हो इसका भाई इसका ये जो फ्यूजन व्हील है वो एक्चुअली सिल्वर कलर का है। नॉर्मली गाइस जो रियल रेगुलर टकाटोमी का जो गैलेक्सी पेगासस होता है वो भाई पेंटेड ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये एक्चुअली भाई सिल्वर कलर का है। और गाइस सही में भाई अरे बस कर। एंड हियर वी गो, हियर वी हैव आवर न्यू गैलेक्सी पेगासस विद दिस ब्यूटीफुल लुकिंग लॉन्चर। भाई सही में बताऊं तो ये लॉन्चर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई रियली लाइक दिस लॉन्चर। ये लॉन्चर भाई क्वालिटी वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज दोनों तरफ से यार काफी अच्छा खासा है। ये एक बार गाइस मेरे को पहली बार मिला था सेट में। अरे जल्दी कर। तो ओके भाई ये रहा हमारा गैलेक्सी पेगा। ओके हाय हाय वेट अ सेक। अरे भाई ये तो गैलेक्सी पेगासस है लेकिन ये तो रेगुलर गैलेक्सी पेगासस है भाई, ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट का है भाई, आई मीन सिल्वर। अरे ओ भाई लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना उसको बोलो झीन टबाक डम 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 और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती। गाइस अरे ये क्या भेज दिया भाई। देखो नॉर्मली रैपिडिटी बेबलेट के साथ रॉन्ग पार्ट्स आता है मैं मानता हूँ, लेकिन रॉन्ग बेबिट्स भी आता है ये मुझे कभी पता नहीं था यार। बात तो सही है भाई। देखो भाई मैंने तो भाई ये सोच के ऑर्डर किया था कि ये गैलेक्सी पेगासस सिल्वर कलर का है, लेकिन अंदर में तो यार ब्लू कलर का है यार। जनता माफ नहीं करेगी। बाहर भाई सफेद अंदर काला, ये क्या हो गया? दाल में कुछ काला है दया। क्या कविता बनाई है, है ना नंबर दो? अरे यार अबे गाइस ये कैसा स्कैम है यार। मेरे पास ऑलरेडी गैलेक्सी पेगासस एक है यार जो मैंने यार लॉन्चर के बिना ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ पर फिर से सेम टू सेम गैलेक्सी पेगासस। वेल अच्छा ही हुआ एक टाइप से, क्योंकि यार देखो गैलेक्सी पेगासस का ये जो ब्लेड है वो पेंटेड है तो कलर उठ सकता है यार, तो ठीक है भाई मान लेता हूँ। लेकिन भाई ये कैसा स्कैम कर दिया यार, मेरे को ये बेबलेट चाहिए भाई, इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है। हियर्स द स्टिकर शीट ऑफ गैलेक्सी पेगासस। फ्यूजन व्हील देखिए मैं थोड़ा सा यार क्या बताऊँ भाई, मतलब सही में यार ये सिल्वर होना चाहिए था भाई। फ्यूजन व्हील देख ही सकते हो यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है भाई, लेकिन साला गद्दारी कर दे ब्लू कलर का भेज दिया। लेकिन फिर भी यार ब्लू कलर के साथ काफी ज्यादा प्रीमियम सा तो लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार देखने में। लेकिन फिर भी भाई ये पता नहीं यार बेलेट रॉन्ग दे दिया गया। ये मेरे साथ यार फर्स्ट टाइम हुआ कि एक बेलेट मेरे को बॉस के अंदर से रॉन्ग मिला, आई मीन पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है भाई, तुम सब देख सकते हो। नॉर्मल जो ब्लैक कलर का रिपोर्ट लॉन्चर होता है उससे यार काफी फार बेटर है, और ये काफी स्मूथ सा लॉन्चर है। इसको भाई मैं डेफिनेटली तुमको टेस्ट करके दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, बहुत ही स्मूथ है भाई तुम यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन हाँ भाई इसका ये जो स्ट्रिंग है भाई, आई मीन ये जो रिपोर्ट है ये बहुत पतला सा यार, तो ये टूटने का चांसेस है। लेकिन फिर भी काफी फ्लेक्सिबल है भाई तो उतने इजीली टूटेगा नहीं। लेकिन फिर यार ये साइड तुम सब देख सकते हो बहुत ही पतला है, तो ये साइड टूट सकता है भाई। तो गाइस ये रहा गैलेक्सी पेगासस का फेस पोर्ट। वेल अगर ये सिल्वर कलर का गैलेक्सी पेगासस आता तो इसका फेस पोर्ट कैसा दिखता मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन व्हील को छोड़ के बाकी सारे के सारे पार्ट्स आई थिंक सेम टू सेम होता है यार गैलेक्सी पेगासस सिल्वर कलर का, आई डोंट नो। तो ये रहा गाइस गैलेक्सी पेगासस का फेस पोर्ट। तो हाँ भाई फेसबुक में तुम सब देख सकते हो गैलेक्सी पेगासस का प्रिंट आउट, उतना भी ज्यादा मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है भाई, लेकिन फिर भी हाँ यहाँ पर वही गैलेक्सी पेगासस का प्रिंट आउट तुम सब देख सकते हो, उतना भी ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी सही है भाई। तो इसका स्टिकर्स मैं बाद में लगा दूंगा भाई, नॉट बैड, एकदम ट्रांसपेरेंट लाइट ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर का बोल सकते हो। तो हाँ भाई जैसा मैंने एक बार और बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला था कि रैपिडिटी का बेस का जो ये एनर्जी होता है वो काफी मतलब बुरा क्वालिटी का होता है भाई, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। जो मेरा फर्स्ट गैलेक्सी पेगासस था उसका भी यार एनर्जी बहुत जल्दी डैमेज हो गया था, स्पेशली ये साइड बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था भाई। ओके लेकिन जितना मेरे को पता है जो टकाटोमी का होता है उसका भाई जो फ्यूजन व्हील है वो काफी हद तक लाइट ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा डार्क है। तो हाँ भाई कलर तो बहुत ही जल्दी उठ जाएगा क्योंकि मुझे पता है भाई ये जो रैपिडिटी का जो फेक बेस होता है उसका जो पेंट्स है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है भाई, तो बहुत जल्दी उठ जाता है कम्पेयर टू द टकाटोमी वन। वेल टकाटोमी का भी उठता है भाई लेकिन उतना जल्दी नहीं उठता जितना भाई रैपिडिटी का उठता है। ओके तो ये रहा भाई, तो आई थिंक क्वालिटी सही होगा भाई, लेकिन फिर भी यार तुम देख सकते हो ये टूट सकता है भाई, आई डोंट नो, बिकॉज जितना मैंने वीडियो देखा है भाई बहुत सारे मैंने वीडियो में देखा है कि गैलेक्सी पेगासस टूट गया है स्पेशली फेक वंस, तो ये भी टूट सकता है भाई। पर जो स्पिन ट्रैक तुम सब देख सकते हो ये स्पिन ट्रैक एक्चुअली 105 स्पिन ट्रैक है, जो एक्चुअली जो रियल टकाटोमी गैलेक्सी पेगासस है उसके साथ यही सेम टू सेम स्पिन ट्रैक आता है। तो हाँ भाई यहाँ पर स्पिन ट्रैक एकदम सही देखे रखा है, गैलेक्सी पेगासस स्पिन ट्रैक 105 यहाँ पर तुम देख सकते हो। साथ में एक और स्पिन ट्रैक देखे रखा है तुम यहाँ पर देख सकते हो जो कि गाइस एक्चुअली है डिफेंस 125 स्पिन ट्रैक, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, ये बस एक एक्स्ट्रा पार्ट है देख सकते हो यहाँ पर डिफेंस 125 स्पिन ट्रैक। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टीम मुझे मेरे को मिला है वो तो एकदम फुली गलत मिला है भाई, क्योंकि जो जो टकाटोमी का गैलेक्सी पेगासस है उसके साथ जो परफॉर्मेंस टीम आता है वो है भाई राइट रबर फ्लैट, जो मैं इस फेक गैलेक्सी पेगासस में उम्मीद नहीं रखता हूँ, तुम ही मत रखो। रबर टाइप का कोई चीज मेरे को आज तक यार रैपिडिटी बेलेट के साथ नहीं मिला है, लेकिन हाँ भाई फ्यूजन हेड्स नाम का एक बेलेट है जिसके साथ यार रबर है, तो अगर तुम कभी यार रैपिडिटी का कोई बेलेट बाई कर रहे हो तो एक बार जरूर यार फ्यूजन हिट्स बाई करना, उसके साथ भाई डेफिनेटली रबर आता है। मेरे इस चैनल के अंदर वीडियो है भाई, अगर चाहो तो देखे आ सकते हो भाई, ठीक है। लास्ट में एक और परफॉर्मेंस टिप जिसके बारे में भाई मेरे को कुछ ज्यादा बताना नहीं है, ये ज्यादातर मेरे को बहुत सारे फेवरेट के साथ मिला है, एक मेटल का परफॉर्मेंस टिप। सो हियर यू गो एवरीवन, हियर वी हैव आवर न्यू गैलेक्सी पेगासस फुली असेंबल्ड। वेल फेस बॉल से शुरू करके भाई स्पिन ट्रैक तक सब कुछ एकदम सही ठीक ठाक है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस टिप गलत देकर रखा है भाई, अगर एक अटैक टाइप का परफॉर्मेंस टिप दे देता तो बहुत ही अच्छा होता।
38 grams, not bad. सर संगे बहुत ही स्मूथ है. Okay, let's go. 3, 2, 1, let it rip. Wow, guys, as I have told you, this launcher is absolutely very smooth and really amazing while launching. Anyway. तो हाँ भाई, पावर वाइज ये लॉन्चर उतना भी पावरफुल नहीं है, रिपकॉर्ड जैसा ही है, लेकिन हाँ बहुत ही स्मूथ है यार. जब तुम लॉन्च करोगे तो तुमको बहुत ही स्मूथ फील होगा. साइबर पेगासस वर्सेस गैलेक्सी पेगासस. Huge recoil.